कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बागियों ने गठबंधन की सरकार गिराकर बीजेपी को मजबूत कर दिया, लेकिन उपचुनाव जीतने के बाद वो बागी ही अब बीजेपी की परेशानी बन गए हैं, क्योंकि येदुरप्पा के बाहरी नेताओं को तवज्जो देने से बीजेपी नेताओं में ही नाराजगी पनपने लगी है, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। हालांकि कलह अभी भी बरकरार है। लंबे वक्त से अधर में अटका कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द होने वाला है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा है कि 6 फरवरी यानी गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस दौरान बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव में विधायक चुने गए जेडीएस और कांग्रेस के 10 अयोग्य विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान कुल 13 विधायक शपथ लेंगे, यानी बीजेपी के अपने पुराने 3 विधायक ही शपथ लेंगे, जिससे पार्टी में मची कलह और बढ़ सकती है। दरअसल साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कर्नाटक की सत्ता पर तो बीजेपी काबिज हो गई, लेकिन उपचुनाव के बाद से ही पार्टी में कलह मची हुई है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने पहले उन नेताओं को टिकट दिया जो जेडीएस और कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल दिसंबर में कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस से पार्टी में आए 13 लोगों को टिकट दिया था, उनमें से 11 ने जीत हासिल की, जिसके बाद मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा 10 बागियों को कैबिनेट में शामिल कर तोहफा देने वाले हैं। येदुरप्पा पर कांग्रेस और जेडीएस के पूर्व विधायकों का भारी दबाव रहा है। इन विधायकों के अनुसार येदुरप्पा ने उन सभी को मंत्री बनाने का वादा किया था, जिसके चलते अब वो अपना वादा निभा रहे हैं। बता दें कि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत 34 मंत्री बन सकते हैं। राज्य सरकार के पास वर्तमान में सिर्फ 18 मंत्री हैं, जिनके पास एक से ज्यादा बड़े पोर्टफोलियो हैं, जिसके बाद अब 13 नए विधायक 6 फरवरी को शपथ लेंगे, लेकिन बाहरियों को ज्यादा तवज्जो देना पार्टी नेताओं को काफी खल रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होने को लेकर नेताओं में हलचल मच गई है। ऐसे में आने वाले वक्त में कर्नाटक की सियासत में क्या कुछ नाटक देखने को मिलता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।